बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। मेरा नाम राजेश शर्मा है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से प्रदेश का वरिष्ठ अध्यक्ष हूँ। इस संगठन में बैठक इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मंडल वाइज सम्मेलन चल रहे हैं और आपके आगरा मंडल में भी 12 तारीख को इसी हॉल में श्याम होटल के अंदर मंडलीय सम्मेलन होगा, जिसमें 4 जिले मथुरा, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद भाग लेंगे। हजारों की तादाद में कार्यकर्त्री बहनें यहाँ उपस्थित होंगी। केवल हमको एक संदेश देना है इन सम्मेलनों द्वारा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब चुनाव हुआ था तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 120 दिन में आपकी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन ये सरकार अपने वादे से मुकर गई और इस सरकार ने मानदेय बढ़ाना तो दूर रहा, ये आज प्रेजेंट में काम करने वाली बहनों का 5-5, 6-6 महीने तक मानदेय नहीं दे पा रही। इस सरकार को इस सम्मेलन के द्वारा ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हर मंडल में सम्मेलन करके बहनों को जगा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं और इस सरकार की जो भी कार्यशैली है उसको समझा रहे हैं। उसके बाद सारे मंडल सम्मेलनों के बाद 2 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख बहनें एक विशाल आंदोलन करेंगी और वो आंदोलन लखनऊ चारबाग स्टेडियम पर होगा, वहाँ सरकार को बुलाया जाएगा। अगर सरकार वहाँ आके घोषणा नहीं करती है तो उसके बाद हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उत्तर प्रदेश भर में आंदोलन जारी। ये रणनीति है कि आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा, 12 तारीख को हमारा मंडलीय सम्मेलन है, इसमें हमारे पूरे मंडल की 4 जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी यहाँ उपस्थित होंगे। इस जो सरकार ने हमसे लिखित वायदा किया था सत्ता में आने से पहले कि 120 दिन के अंदर हम अपना वायदा पूरा करेंगे और आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, 120 दिन भी निकल गए, हड़ताल भी निकल गई, धरने भी निकल गए, वायदे पे वायदा करती रही, झूठे आश्वासन देकर बीजेपी सरकार हमें धोखा देती रही, लेकिन आज तक हमारे शासनादेश जारी नहीं किया गया। कभी 10,000 का वायदा करती हैं, कभी 9,000 का वायदा करती हैं, लेकिन झूठे आश्वासन पे आश्वासन देती रहती हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी होने का कोई भी भरोसा नहीं दिया आज तक। उसे चेतावनी दे रहे हैं, मंडलीय कार्यक्रम कराकर अपनी आंगनबाड़ी बहनों को जागरूक कर रहे हैं कि अब का जो आंदोलन होगा वो क्रांतिकारी आंदोलन आर पार की लड़ाई पर होगा। मैं सत्यवती तोमर मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आप ये पूछ रहे हैं किस कठिनाइयों से गुजर रही हैं, जितनी कठिनाइयों से हम गुजर रही हैं इतनी शायद कोई भी महिला इस शासन में इनकी में कोई नहीं गुजर रहा होगा। कहाँ कहीं तो ये सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है और सामाजिक सुरक्षा की बात करती है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ क्या ये आंगनवाड़ी महिलाएं नहीं है? क्या ये कौन है? ये इनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? इनका क्यों शोषण हो रहा है? इनको क्यों झूठा आश्वासन दिया जा रहा है? तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, अब की हमारी मांगे नहीं मानी, 12 तारीख को हमारा महासम्मेलन है जिसमें 4 जिलों की हमारी आंगनवाड़ी है, 4.25 लाख आंगनवाड़ी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं वो सभी हमारे आएंगे, अग्रगण्य नेता आएंगे और सब आंगनवाड़ी आएंगी, या उसमें हम यही घोषणा करेंगे या तो हमारी मांगे पूरी करी जाए नहीं तो सरकार इसमें हटेगी, सरकार यहाँ दोबारा नहीं आएगी।